नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सुलोचना फिल्म्स के बैनर तले निर्माण हो रहे वेब सीरीज कांड की शूटिंग का शुभारंभ मंगलवार को चास में किया गया। शूटिंग शुभारंभ से पूर्व सेट में गणेश वंदना किया गया। इस दौरान फिल्म के निर्देशक अरविंद विलास स्वामी ने बताया कि बोकारो के स्थानीय कलाकार एमएक्स प्लेयर के पर्दे पर दिखेंगे, इसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। श्री स्वामी ने बताया कि फिल्म की कहानी वर्ष 1999 में घटित चर्चित बलात्कार की घटना से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है। इस फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में पंकज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर आशुजीत, सिनेमेटोग्राफर दिनेश शर्मा का सहयोग सराहनीय है। मुख्य कलाकार में अंशुप्रिया, प्रेमजीत, कुलदीप, शक्ति, निर्मल, राहुल, सुजीत आदि की भूमिका अहम है। आज ये जो आपने कांड जो शीर्षक है उस पर अपना शूटिंग प्रारंभ किया, इसका क्या मतलब कहानी सार में थोड़ा सा बताएंगे? और इस कांड की कहानी एक कम उम्र की लड़की पर है। आजकल आए दिन घटना होता रहता है, बलात्कार जैसी शर्मनाक घटना है, तो एक लड़की पर कुछ दर्दनाक घटना उसके साथ करता है, बस इसी की इर्द गिर्द में ये कहानी घूम रही है इस कांड की। ये मतलब कि कोई सच्ची कहानी ऐसे प्रेरित है क्या, किस तरीके से? इसका जब स्टोरी लिखा जा रहा था तो लिखते वक्त कंटेंट आता चला गया कि 1999 बोकारो झारखंड में एक घटना घटी थी, जिसको घटना का नाम दिया गया था मोनिका कांड, और ये कहानी उसी से मिलती जुलती है। अच्छा अच्छा आपने जैसा बताया कि एमएक्स प्लेयर पर भी ये वेब सीरीज लॉन्च होगी, जी, तो इसमें जो कलाकार है वो स्थानीय कलाकार है या फिर बाहर से भी कुछ है? यहाँ के जितने भी कलाकार हैं सारे कलाकार यहाँ के स्थानीय हैं, लोकल हैं, कुछ बेरमो के हैं, कुछ बोकारो के हैं, यही आसपास के सभी कलाकार यहीं के, मतलब लोकल क्षेत्र के ही से। जी। कब तक ये कंप्लीट हो सकता है अनुमान? कल इस सिनेमा का मुहूर्त हुआ था पहला शॉट, और आज इस शूटिंग की दूसरी सेकंड शेड्यूल है, दूसरा दिन है, और आगे कम से कम ये 26 दिन तक हम लोग इसको शूट को चलाएंगे।